दिल्ली से एक बड़ी खबर जान लीजिए। जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन चल रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों का प्रदर्शन है। नू हिंसा के बाद कार्यवाही का विरोध हो रहा है, ये एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी भी प्रदर्शन जारी है, दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी का कैंपस, और वहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो नू में जो हिंसा हुई उसके बाद जो कार्यवाही की गई, ये उसका विरोध चल रहा है। उनका आरोप है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन जारी है, यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली और दिल्ली में जो कैंपस है जामिया यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर प्रदर्शन चल रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि नू हिंसा के बाद जो कार्यवाही हुई उसमें एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में यह प्रदर्शन जारी है। अंकित गुप्ता और वरुण जैन हमारे सहयोगी दोनों जुड़ रहे हैं इस वक्त इस खबर को विस्तार देने के लिए। अंकित, सबसे पहले आप बताइए, प्रदर्शन कब शुरू हुआ? देखिए विवेक, 15 से 20 मिनट पहले प्रदर्शन शुरू हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? देखिए महत्वपूर्ण यह है कि जामिया का जो परिसर है, कैंपस है, उसके ठीक अंदर ये चल रहा है। जो ये मेन गेट है, इसके अंदर हमको नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि नू में जिस तरीके से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो यहां ये कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और जो वहां पर बुलडोजर चला है, जो मकान गिराए गए हैं, उनको जो है दोबारा बनाया जाए, और जो FIR दर्ज की गई है खासतौर पर एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ, वो जो है उसको वापस लिया जाए। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं, यहां पर सुरक्षा के किस तरह के कड़े इंतजाम है। यहां पर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया, CRP के जवान तो है ही, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहां पर लगे हुए हैं, और उसके अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। क्योंकि ये जो मार्च है, जो ये ऐलान किया गया था, ये मेन गेट से, यानी कि जामिया के मेन गेट से निकल करके मंडी हाउस पे, जो जहां पर हरियाणा भवन बना हुआ है, वहां तक जाना था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। लिहाजा इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा है वो गेट के अंदर चल रहा है। जी अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, वरुण जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, इसमें जो छात्र नेता शामिल हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर के ही हैं या फिर बाहर के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आई कार्ड चेक कर ही छात्रों को जाने दिया जा रहा था, तो ऐसे में संभावना यह है कि जो छात्र हैं वो जामिया यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। हालांकि जो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था, ये AISF और जो दूसरे लेफ्ट से जुड़े जो छात्र संगठन हैं उनकी तरफ से कॉल किया गया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हाथों में पोस्टर है उनमें AISF आईसा से लेकर जो दूसरे लेफ्ट के छात्र संगठन है उनके पोस्टर्स है, और हाथों में जो पोस्टर पे लिखा हुआ है कि अरेस्ट मोनू मानेसर, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद के जो पोस्टर्स है वो लेकर छात्र अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनको यहाँ इस जामिया के इसी गेट से निकलकर आगे हरियाणा भवन तक जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली, और उसके बाद छात्रों ने तय किया कि जो प्रोटेस्ट है उसे अंदर जामिया यूनिवर्सिटी के प्रमाइसिस के अंदर ही निकाला जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में, हालांकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि पूरी दिल्ली के अंदर और मेवात छात्र संगठन से जो जुड़े लोग हैं उनको कॉल किया गया है, तो हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो अभी भी जो अपना प्रोटेस्ट है वो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही निकाल रहे हैं। इनकी एक ही मांग है, एक ही बात इनका कहना है कि नू हिंसा के बाद जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरीके से गलत है। जो घर जमींदोज कर दिए गए, प्रशासन उनका घर बना कर दे। जो FIR दर्ज की गई है वो एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करके की गई है, और उन FIR को भी रद्द किया जाए, और उसी को लेकर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट निकल रहा है। आपसे जानना चाहूंगा, ये प्रोटेस्ट निकाला आपने, क्या आप लोगों की मांग है, क्यों नहीं मांग है? मांग कुछ नहीं है, जो मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है नू में लगातार और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ उसके लिए है, और उसके लिए पीसफुली मार्च करके हरियाणा भवन जाया जाता, वहाँ एक मेमोरेंडम दिया जाता, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं। पर यह स्टूडेंट से ज़्यादा तो बाहर पुलिस खड़ी है, बाहर बैरिकेडिंग करती है, ऐसा लग रहा है ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा लग रहा है ये कोई यहाँ टेररिस्ट रहते हैं, ऐसा ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है और कुछ नहीं है। छात्र हैं क्या सारे जामिया के ही छात्र हैं, या जो लेफ्ट के जो दूसरी पार्टी ने कॉल किए थे उनके छात्र? कोई लेफ्ट की दूसरी पार्टी नहीं है, सिर्फ जामिया के छात्र हैं। ये वो छात्र हैं जो कलम और कॉपी लेकर यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि और कहीं के जैसे छात्र आके कुछ, क्योंकि स्टूडेंट ID चेक करके अंदर एंट्री दी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पर। आप लोगों को क्यों लगता है कि कार्रवाई गलत हुई? पुलिस ने वीडियो के अंदर दंगाइयों को देखा, उन्हें गिरफ्तार किया और कार्रवाई की। एक तरफा जो लोग वहाँ पर नहीं भी थे उनके लिए वहाँ पर मतलब बुला बुला के, एक जैसे एक गाँव का लड़का जो आगरा में था उसको भी उठाकर
उठाकर दूसरी मतलब उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर की तरह उसे ट्रीट करा गया, आज वो चलने के लायक नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को, दुकानदारों को, घरों को जलाया जा रहा है और उन्हीं को वही उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है जो मुसलमान है। ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हम कह सकते हैं और ऐसा नहीं कि ये दो तरफा कार्रवाई है। सुना, एक तरफा कार्रवाई का जो आरोप है वो छात्र लगा रहे हैं और क्योंकि आई कार्ड देखकर ही अंदर जाने की इजाजत थी, इसलिए फिलहाल जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।